हाय वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 1 है, जो एक्सरसाइज 14.1 से लिया गया है, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को विदाउट यूजिंग द एक्चुअल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। जो हमने पढ़ा है फार्मूला, ए इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 होल टू द पावर एन। इस फार्मूला का यूज़ किए बिना हमें सॉल्व करना है ये। तो ध्यान दीजिएगा, इसके सारे क्वेश्चंस को हम ऐसे ही करेंगे। 14.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस हम विदाउट यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला सॉल्व करेंगे। तो हमें यूज़ करना है सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। मींस देखिए कैसे निकालेंगे हम। हमें क्या करना होगा कि हमें ये देखना होगा कि क्वेश्चन में कंपाउंडेड ईयरली दिया है या कंपाउंडेड क्वार्टरली दिया है या फिर कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया है। जैसा दिया रहेगा उसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करना होगा सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है। जब भी कुछ लिखा ना हो कि कंपाउंडेड ईयरली या कंपाउंडेड हाफ ईयरली या कंपाउंडेड क्वार्टरली ना लिखा हो, इसका मतलब समझ जाना चाहिए आपको कि ये कंपाउंडेड ईयरली ही है। तो यहाँ पर कंपाउंडेड ईयरली ही दिया हुआ है। तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले निकालना होता है सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। ठीक है, सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे क्या सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। तो पहले साल के लिए कितना इंटरेस्ट आएगा सिंपल इंटरेस्ट, जो फॉर्मूला आप जानते हैं वही यूज़ करना है। और पी जो प्रिंसिपल है वो आप जो दिया हुआ है 3000, वही प्रिंसिपल आपका हो जाएगा इनिशियल। और रेट जो है यूज़ करना है 5%। और एक साल के लिए आप निकाल रहे हैं तो टाइम जो है 1 ही लेंगे, और नीचे तो 100 होता ही है आर का। ठीक है, तो पी आपका हो जाएगा 3000 मल्टीप्लाइड बाई आर मीन्स 5% इंटू टाइम इज 1 होल अपॉन 100। तो 2 जीरोज का कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये भी कैंसिल आउट हो गया, 5 से 15 150 मिल गया आपको। मीन्स ये मिल गया 150 रुपीज़। ओके, तो ये आपका आ गया इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। अब जो इंटरेस्ट आता है ना, उसी को हम क्या करते हैं कि अगले साल के लिए सेकेंड ईयर के लिए जो अमाउंट निकालते हैं, मतलब हम पहले निकाल लेते हैं अमाउंट कि अमाउंट क्या होगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ये जो भी अमाउंट आता है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, इसी को हम जो है प्रिंसिपल के रूप में यूज़ करते हैं सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, जो भी अमाउंट आएगा, तो जो अमाउंट आता है फॉर्मूला होता है अमाउंट के लिए पी प्लस एस आई, मीन जितना भी प्रिंसिपल रहता है पहले पिछले साल के लिए शुरू में बिगनिंग में, उसमें हम सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो अमाउंट हम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3000 में हमें ऐड करना पड़ेगा 150 और हमें मिल जाएगा 3150 रुपीज़। तो ये आपका अमाउंट है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। अब इसी अमाउंट को हम प्रिंसिपल मानेंगे फॉर द सेकेंड ईयर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो अब निकाल लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम यूज़ करेंगे, और यहाँ पर जो टाइम है वो भी 1 ईयर लेंगे, क्योंकि सेकेंड ईयर मतलब दूसरे साल के लिए भी तो एक ही साल होगा ना, दूसरे साल के लिए निकाल रहे हैं अलग से, तो वो भी 1 ईयर ही कैलकुलेट माना जाएगा। तो जो प्रिंसिपल पी है वो पिछले साल के अंत में जितना भी अमाउंट आया था उसी को हम प्रिंसिपल मानेंगे। यही डिफरेंस है आपके कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, हम ये जो प्रिंसिपल पी यूज़ कर रहे हैं वो ये यूज़ कर रहे हैं, न कि ये यहाँ पर 3000। यही अंतर है कंपाउंड इंटरेस्ट में। जो भी मतलब पिछले साल में जो अमाउंट आता है उसी को प्रिंसिपल मान करके हम अगले साल में जोड़ते रहते हैं, करते रहते हैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट। तो यहाँ पर हम वही कर रहे हैं, तो 3150 इंटू 5% का रेट जो है एकदम सेम वही रहेगा, इंटू 1 ईयर के लिए निकाल रहे हैं, मतलब सेकेंड ईयर के लिए निकाल रहे हैं, अपॉन 100। ये 0 0 कैंसिल हो गया, 5 5 5 2 10। अब डिवाइड यदि करेंगे तो 3 1 2 1 2 एंड 11 हो जाएगा 2 5 10 एंड 2 7 15.5 ऐसे आ जाएगा। तो इतना रुपीज़ आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। अब जो सिंपल इंटरेस्ट आया है इसी को हम ऐड कर देंगे। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए यहीं पर आपका जो है कैलकुलेट हो चुका है, जो पिछले साल का मैंने जो फर्स्ट ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट था और जो सेकेंड ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा और वही आपका आंसर होगा। लेकिन एक और तरीका होता है कि आप पहले जो है अमाउंट निकाल लो एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। यदि आप सेकेंड ईयर में अमाउंट ऐड करते हैं तो आपको मिल जाएगा, देखिए प्रिंसिपल प्लस
एस आई फॉर द सेकेंड ईयर, तो प्रिंसिपल कितना है 3150 है, ये वाला लेंगे सेकेंड, मतलब कि जो फर्स्ट ईयर में जो हम प्रिंसिपल यूज़ किए थे, फर्स्ट ईयर के अंत में जो आया था आपका अमाउंट, वही प्रिंसिपल के रूप में यूज़ किए थे सेकेंड ईयर के लिए, वही आपका प्रिंसिपल यहाँ पर रहेगा, प्लस एस आई जो सिंपल इंटरेस्ट निकला है यहाँ पर 157.5, इनको यदि ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 3307.5 रुपीज़। ओके, तो इतना रुपीज आ गया अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ए में से जब आप माइनस कर देते हैं पी, और ए जो है अमाउंट है एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, ठीक है, सेकेंड ईयर के एंड में ए है, और पी जो है बिगिनिंग, शुरू में जितना आपने लिया था, ठीक है, एट द बिगिनिंग माइनस करेंगे तो आपको निकल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ए कितना है, ये आपका है 3307.5, या 50 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इतना रखते हैं, माइनस पी जो प्रिंसिपल इन बिगिनिंग में है, मतलब 3000, इतना यहाँ पर लिख लेंगे 3000, आपको मिल जाएगा माइनस करने पर 307.5, यहाँ पर एक जीरो लगा दीजिए, कोई बात नहीं है। इतना रुपीज हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप ए माइनस पी करके निकालें। यदि आपको सिंपल इंटरेस्ट पता है 150, तो 150 में केवल आप क्या करिए, ऐड कर दीजिए जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आया है 157.5, यदि ऐड करेंगे तो मिलेगा आपको 0.5, यहाँ पे हो जाएगा 7, 5, 10, 0 और ये 2 and 3, 307.50, मतलब कि ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं इसमें विदाउट यूजिंग फार्मूला, केवल सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके। तो चलिए सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन में इतना ही। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, आप दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और एक कमेंट जरूर दीजिएगा यदि आपको अच्छा लगा तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।